ओए 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 यार तो फाइनली वक्त आ चुके हैं, हमने अपनी डक्स को अब डालने लगी है अपने पूल में और पानी भी देख सकते हैं फुल है। भाई क्या कहते हैं, डालो? डाल दो, छोड़ दो, आराम से छोड़ना। 2 3 डर ना जाए। यार ये रहने देते हैं, वो डर रहा है। अजी वाह, ये कौन सी अभी बड़े दिल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों मैंने फाइनली ना अपना ना स्विमिंग पूल निकाल लिया है और एक मसला यार बैड न्यूज़ ये हो गई है कि जो हमारा पूल है ना उसकी तीसरी रिंग यार पंचर हो गई है। मेरे ख्याल से जब हमने लास्ट टाइम उस छत पे इस्तेमाल किया था ना तो वहाँ पर ना यार पत्थर वगैरह बहुत है और बहुत ही नुकीले हैं, उसकी वजह से शायद ये पंचर हो सकता है। तो इसका कोई मसला नहीं क्योंकि हम जो जिस रिंग में पंचर लगा ना यार वो लास्ट वाली रिंग थी और अगर इसमें पानी भी भरेगा तो मेरे ख्याल से ना कोई मसला नहीं होगा, डक्स तो ना ईजीली नहा पाएंगी। और अभी फिलहाल है यार देख सकते हैं धूप भी है तो धूप को ना थोड़ा सा हम कम होने देते हैं, उसके बाद हम ना जल्दी से इसमें पानी भरेंगे। हवा तो हमने भर ली दोस्तों, अभी थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद जैसे ही शाम का टाइम होगा ना हम ऊपर आएंगे और अपने ना पूल में पानी भरेंगे और अपनी न्यू डक्स को पूल में छोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर ना भरने लगा देता हूँ। दोस्तों फाइनली हमारा जो पूल है ना वो पानी से फुल हो चुका है और अभी जल्दी से ना हम अपनी टूटी को कर लेते हैं बंद और यार पाइप निकाल के ना साइड पे रख देते हैं क्योंकि यार पूल तो फुल हो गया। दोस्तों फाइनली 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 हमारा जो पूल है वो फुल हो चुका है और इसके अंदर पानी जो है भर चुका है। अब सिर्फ सिर्फ एक ही वेट है, हमने अपनी डक्स को निकालना है और पूल में छोड़ना है। दोस्तों हमारा ना जैक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। ओए डरा दिया इसकी टेल ने मुझे। अभी फिलहाल है इसको तंग नहीं करते क्योंकि हमारा आज डक्स डे है। दोस्तों वक्त आ चुका है अपने डक्स को बाहर खोलने का। अब तो नहीं ये बात की ना, अब हमारी क्वैक क्वैक गैंग बाहर आएगी। दोस्तों फाइनली वक्त आ चुके हैं, हमने अपनी डक्स को अब डालने लगी है अपने पूल में और पानी भी देख सकते हैं फुल है। भाई क्या कहते हैं, डालो? डाल दो, छोड़ दो, आराम से छोड़ना। 2 3 डर ना जाए। ये क्या हुआ? तैरिंग दोस्तों, इनको ना थोड़ी देर हम ना इनको ना अकेले छोड़ते हैं कि क्या पता कि ना तैरना शुरू कर ले क्योंकि पानी तो भाई सही है तैरने के लिए। पानी पता नहीं मुझे लगता शायद थोड़ा ना हो। तो दोस्तों ये देखिए हमारी जो डक्स है ना बाहर निकल आई है थोड़ा। अच्छा, तुम भला हमारा भी, और जो हमारा कैमरा है ना वो पीछे से गीला हो गया है और आगे से देखो तुम्हारे ये फोन के ऊपर जो है ना सारे पानी के कतरे गिरे, हमारा सारा कैमरा जो है ना गीला भी हो गया। अच्छा वहाँ इतना सारा पानी है भाई, दोबारा छोड़ो यार इसको, मेहनत की है आप लोगों के लिए, इतनी मुश्किल से हमने पानी भरा है। मैं पीछे ही रहता हूँ थोड़ा क्योंकि ये फोन अगर गीला हो गया ना उन्होंने फिर जो है ना बैक आ जाओ। अकेला छोड़ते हैं यहाँ पे रख। देखो भाई रिलैक्स कर रही है आहिस्ता आहिस्ता। दोस्तों आगे जब हमने अपनी ना डक्स को छोड़ा था ना भैया डर रही थी, अब ना आहिस्ता आहिस्ता ये ना होती जा रही है कि हम ना इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इनको लग रहा है कि अब हम ना यहाँ पे ना सेव हैं। और देखिए कितनी ज़्यादा यार खुशी हुई है दो भाई यार, जैस जबकि ये हमारे सेटअप पे आई है ना सबसे पहली बार ये मुझे ना खुश देख रही हैं। मैं कहता हूँ 2-3 दिन छोड़ के इनको नहलाया, इसी तरह नहला दिया क्या क्या। अच्छी बात है वैसे। हाँ दोस्तों ये बात वैसे अच्छी है, देखिए यार काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही हैं ना, कि बजाय इसके कि वो हम नीचे टूटी लगा के खोल के पूरा गीला करके। ओए 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 यार
दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सारे पेट्स हैं ना वो एकदम गुड हालत में है। और सबसे पहले तो ना यार जैक को तो देख ले यार, पीछे 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 हो यार आप लोग। दोस्तों जैक के मदर फादर सही इसकी ना सेफ्टी करते हैं। जैक आ जाओ चलो। यार इसको तुम यहाँ पर बैठाया करो। दोस्तों इसकी मैंने ट्रेनिंग रोक दी है, ये मैंने 2 से 3 दफ़ा बता चुका हूँ कि ना इस वजह से रोकी है। ये इसको ना 1 से 2 दिन मैंने अलग किया था और यार ये काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगा था और सीरी लैक शौक से नहीं था खाता ये। इस वजह से मैंने यार कहा कि यार अगर माँ बाप के पास ये खुश है तो उसको क्या यार टेम करके फजूल इसको अजियत देनी है। हाथ करो तुम्हें एक भाई ने। और देखें दोस्तों यार ये इसकी ना ग्रोथ भी अपने ना माँ बाप के साथ पास ही ना अच्छी हो रही है। और देखिए गर्दन इसकी दोस्तों जो नंगी होती थी ना वो माशाल्लाह से ना भाई भर गई। इसके तो नाखून कितने यार प्यारा कितना यार ये आ जाओ जैक माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों हमारा जैक नाखून इसके कितने तेज है दोस्तों। यार ये टेम हो जाता ना हमारा बस। पकड़ना मैंने तुम्हें बोला ना इसके नाखून कितने खून निकला है। नहीं खून तो नहीं निकला इसको, थोड़े थोड़े यार नाखून काट देते हैं। दोस्तों हमने अपनी ना डक्स के भी नाखून काटे हैं। और तुम कहाँ जा रहे हो? दोस्तों आप सब भाइयों में से जो जो भाई ना डक्स रखते हैं ना और उनको नहलाते वगैरह डेली रूटीन पे, उन्होंने ना लाजमी बताना है कि हम ना अपनी डक्स को किस किस रूटीन पे नहलाए, हफ्ते में कितनी बार नहलाएं और किस टाइम पे नहलाएं। यानी कि हमें अभी सही तरीके से ना पता नहीं है कि हम ना अपने डक्स को कितने घंटे नहलाएं। और बाद में यार इन्होंने खुश्क भी होना होता है क्योंकि बीमार भी हो सकती हैं ये। तो आप सब भाइयों ने ना लाजमी कमेंट में बताना है। दोस्तों अभी फ़िलहाल हमारी डक्स को ना स्विमिंग पूल में ना आधा घंटा हो चुका है शायद, या फिर घंटा मुझे नहीं पता इतना। और अभी फ़िलहाल ना मैं पेट टाउन पे अपने ना आ गया हूँ। और आप लोगों से ना एक चीज़ पूछनी थी कि ये हमारी ना पेट टाउन की वॉल है, इस पे हमने ऑलरेडी 2 कार्टून ना करेक्टर्स बना लिए हैं। अब हमारे पास इतनी जगह है, एक ये जगह है, एक ये जगह है, दरमियान में भी थोड़ी सी जगह है, ऊपर भी है। यानी कि इसमें ना तकरीबन 1 2 3 4 और करेक्टर आसानी से आ सकते हैं। तो आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है कि और कौन कौन से कार्टून्स हम अपनी पेट टाउन की वॉल्स पे बनाएं। और अगर ये 2 करेक्टर्स आपको अच्छे लगे हैं तो यार कमेंट में ना माशाल्लाह लाजमी लिखना है। दोस्तों अभी फ़िलहाल ना हमारे जो सारे पेट्स हैं ना पता नहीं पागल ही हुए पड़े हैं दाने पानी के पीछे। अभी जल्दी से ना यार डक्स को बंद करना है और अपने ना सारे पेट्स को ना दाना पानी करते हैं। दोस्तों यही थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों हमारी ना डक्स के ना आज ना काफ़ी ज़्यादा मज़े हो गए और हमारे भी ना माशाल्लाह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मज़े हो गए। तुमने 2 मिनट नहीं खड़े हो ना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इंशाल्लाह, एक हफ्ते बाद नहीं यार कुछ ही दिनों बाद मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बल्कि भाई को भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।